हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से, शानदार ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीचर की जो वैकेंसी है, नई भर्ती जो आई थी 2018 की शिक्षक भर्ती, इसके अपडेट के बारे में, किसका क्या नया अपडेट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है न्यूज़पेपर में एक बढ़िया सा अपडेट आया हुआ है, और यहाँ से आपके लिए क्या बढ़िया सी चीज़ें हो सकती है, क्या दोबारा रिजल्ट आएगा, जो छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था उससे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके लिए फायदे की बातें। ठीक है, तो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे एक एक पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले हम इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। सर, ये वैकेंसी कौन सी थी और कब की है? ठीक है, तो अगर सर वैकेंसी की बात करें ना, तो ये वैकेंसी 69,000 जो है ना, 69,000 वैकेंसी आई थी। और ये कब की वैकेंसी है सर? ये 2018 में वैकेंसी आई हुई थी, 2018 की वैकेंसी है, जो 69,000 टीचर्स की वैकेंसी आई थी। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये एग्ज़ाम अपने पास 6 जनवरी को हुआ था 2019 को, और इसके साथ ही इसका जो रिजल्ट आया था ये अपने पास 12 मई 2020 को आया था। इसके बाद फिर क्या हुआ ना कि इस पर कई सारे केस किए गए, और इसका जो मामला चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ ना, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी, दिखाते हैं आपको एक एक बातें यहाँ पे, या आप बड़े से देख सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अपडेट में क्या लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक अंक से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बारिश के बीच फिर से बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया, और पुलिस ने दोबारा उनको क्या किया, इको गार्डन पहुँचाया। इसका मतलब क्या है सर कि जो अपने पास ये भर्ती थी ना, तो जो बच्चे ऐसे थे जिनका एक अंक से रह गया था, उनके लिए क्या हुआ है ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया, बेसिक शिक्षा निदेशालय का अपने पास घेराव किया था, और इसके बाद पुलिस वालों ने इनको फिर भेज दिया। इसके साथ ही बृहस्पतिवार को, इसके पहले भी बृहस्पतिवार को इन लोगों ने यहाँ पे घेराव किया था, तो इनका जो जन्माष्टमी है ये लोग धरना देते हुए मना रहे थे। इसके साथ यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर को बताया था कि एक अंक जिनका भी कम है, इसको बढ़ाते हुए मेरिट के जारी करने के निर्देश दिए गए थे कि जिसका भी एक अंक कम है ना, उनको मेरिट बढ़ा के एक अंक बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद मेरिट जारी की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तो इसके विरोध में क्या चल रहा है ना, यहाँ पे ये लोग क्या है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर जो आपके फायदे की बात ये है कि सर यहाँ पे जो महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया है कि जल्दी आपको इसका क्या है ना, पॉजिटिव निर्णय होने की बात कही गई है। इसका मतलब ये है कि जो एक अंक जिनके भी कम है, हो सकता है कि दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी हो, और पॉजिटिव जो भी आए उसमें आपके जो एक अंक है ना, वो एक अंक बढ़ने के बाद एक बढ़िया सा फिर से मेरिट जारी हो, और जिनका भी एक अंक से रह गया है, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक अंक से रह गया है, उनका भी सिलेक्शन हो पाए। तो ये अपडेट थी एक बढ़िया और बेहतरीन सा, जो हमने आप लोगों को बताया। और अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बढ़िया से वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि जो भी अपडेट आते हैं वो बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।